हेलो गाइस, वेलकम टू द बीस्ट कैनल। मैं मुकुल आनंद आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक वर्ल्ड फेमस डॉग ब्रीड जो कि है जर्मन शेफर्ड। और ये जो ब्रीड है इसे इंडिया में तीन टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक तो शॉर्ट कोट, लॉन्ग कोट और मतलब डबल कोट। और जो जर्मन शेफर्ड है वो मेनली जो आते हैं वो दो ही टाइप के आते हैं, एक शॉर्ट हेयर और एक लॉन्ग हेयर। लेकिन इंडिया में ब्रीडर्स ने सेलिंग करने के लिए या जो भी बोलिए उसे एक ट्रेंड बना दिया है, और वर्ल्ड के जितने भी जर्मन शेफर्ड हैं ना वो सारे डबल कोट रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स दो सेटिंग में होते हैं, एक थोड़े छोटे हेयर्स और एक उससे थोड़े बड़े हेयर्स। और ये इसमें भी सिंगल कोट में भी और जो आप बोलते हैं डबल कोट उसमें भी, लेकिन मेनली जो इन्हें बोला जाता है ये है लॉन्ग हेयर की और ये है शॉर्ट हेयर की। और गाइज, ये जो जर्मन शेफर्ड का जो सबसे पहले जर्मन शेफर्ड को ब्रीड किए थे उनका नाम था कैप्टन मैक्स वॉन स्टेफनिट्स। उन्होंने ही जर्मन शेफर्ड को सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में ब्रीड किया था। ये जो ब्रीड है ये स्निफिंग डॉग्स में से थर्ड नंबर पे आती है वर्ल्ड में। पहला है ब्लड हाउंड, दूसरा बेसेंट हाउंड और तीसरा जो है वो जर्मन शेफर्ड। इसीलिए इसे आर्मी फोर्स ये सब में यूज़ किया जाता है। ये ब्रीड काफ़ी शानदार ब्रीड होती है और मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रीड भी यही है। और ये जो मेरे दो डॉग्स हैं ये मेरे पर्सनल डॉग्स हैं, और ये जो है ये शॉर्ट हेयर की लूसी और ये लॉन्ग हेयर की जो है ये एलेक्सा है। तो गाइज, ये हमारी लूसी, इसके दो पपीज़ हो रखे हैं, एक फ़ीमेल अवेलेबल है बुकिंग के लिए और जो एक फ़ीमेल है वो बुक हो चुकी है, उन दो ही पपीज़ हुए थे हमारी लूसी के। हाँ तो गाइज, ये जो ब्रीड है ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी ब्रीड है, लेकिन यही है कि आप इसे बेसिकली सोशलाइज करें, ट्रेनिंग दिलवाएं। अगर नहीं ट्रेनिंग दिलवा सकते तो इसे कम से कम कुछ ना कुछ यूट्यूब से भी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं कैसे ट्रेनिंग दे डॉग को ये सब, तो उससे हल्का हल्का ट्रेन करें इसको, वरना ये आगे जाकर आपके लिए मतलब सबके लिए एक हेडक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है और बहुत ही हाई ड्राइव ब्रीड होती है। अगर इसे बेसिकली अच्छा से ट्रेन नहीं किया जाए तो फिर ये बहुत एग्रेसिव हो सकती है। लेकिन अगर मुझसे कोई अगर पूछेगा कि ये फ़र्स्ट टाइम ओनर के लिए है या नहीं, तो हाँ ये फ़र्स्ट टाइम ओनर के लिए है। बस थोड़ा सा आपको केयर करना है, शुरू के एक साल छः महीने आपको केयर करना है, उसके बाद आपको इस ब्रीड में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो ब्रीड रखा था वो था बेल्जियन मेलानॉइस, उसके बाद मैंने इस लूसी जर्मन शेफर्ड को लिया था, और इसीलिए मतलब घर का ही बच्चा है और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार क्वालिटी में है। और ये एलेक्सा अभी 6 मंथ की है, ये किंग शेफर्ड है, किंग साइज जाएगा इसका, और ये 6 मंथ में देख सकते हैं आप लूसी का हाइट को क्रॉस कर चुकी है। तो और जो डाइट बोलते हैं, डाइट आपको कोई डाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं, आप कुछ भी खिला सकते हैं, जैसे दही रोटी कुछ भी आप दे सकते हैं, पेडिग्री चिकन, डाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं, वो आदमी खिला ही लेता है कुछ ना कुछ करके अपना देख के कैसे भी। सबसे मेन है एक्सरसाइज, डॉग्स को एक्सरसाइज देते नहीं है लोग। मैंने देखा है बहुत सारे जर्मन शेफर्ड को 5 मिनट के लिए घुमाया, सुसु पॉटी किया, उसके बाद ले जाकर उसको बांध दिया, तो ऐसे नहीं होता है। देखिए मेरा इतना बड़ा यार्ड है पूरा, इसमें ये बस दो डॉग रहते हैं, फुल दिन भर खुले रहते हैं, अभी बस वीडियो बनाने के लिए बांधा हूँ इसको। और इनके अगर आपको पपीज़ चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दो पपीज़ हैं, अभी मैं आपको लास्ट में पपीज़ भी दिखाऊँगा। और बाकी आपको जर्मन शेफर्ड ब्रीड के बारे में पता है और कुछ स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो मैं लाऊंगा, जैसे डाइट के ऊपर और कैसा इनका टेम्परामेंट है, क्या डाइट प्लान है, और फिर मतलब कैसे आप इसको ट्रेन कर सकते हैं, सारा चीज़ मैं लाऊंगा आपको अगले कुछ वीडियो में। अभी धूप हो चुका है गाइस, इसीलिए ज़्यादा इन लोग को परेशान नहीं करना है, क्योंकि इन्हें गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है बस। तो गाइस ये लूसी का दो पपीज देख सकते हैं आप, पपीज़ अभी 11 डेज़ के हैं, बाकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, पपीज़ का काफ़ी हेल्दी और बड़े बड़े पपीज़ हैं, दो ही पपीज़ हुए हैं, इसीलिए एक पपी बुक हो चुका है और एक पपी अवेलेबल है। आपको अगर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए सपोर्ट करते रहें, और हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे गाइडेंस के लिए। और थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।